अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पन्ने पीके। सो गाइस, आज हम जिस बाइक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सुजुकी जीडी 110S। सुजुकी जीडी 110S का 2022 मॉडल कुछ दिन पहले लॉन्च हो गया था पाकिस्तान के अंदर, और शोरूम पे आने में अभी इसको देर थी। फाइनली शोरूम पे आ गया है और इंशाल्लाह जो इसकी फर्स्ट वीडियो है वो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। इस बाइक का आज हम फुल रिव्यू करेंगे, सुजुकी जीडी 110S 2022 मॉडल का आज हम फुल रिव्यू करेंगे, और इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इस बाइक के अंदर बेसिक चेंजेस क्या क्या आई हैं, 2021 मॉडल में आपको क्या क्या मिल रहा था और 2022 मॉडल में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उसके अलावा हम बात करेंगे कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसके अंदर आपको न्यू प्राइस क्या मिल रही है, और उसके अलावा इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इस बाइक के मीटर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस बाइक के मीटर के अंदर आपको एक स्पीडोमीटर मिल जाएगा, और उसके अलावा इसके अंदर ट्रिप मीटर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर चेंजेस की बात कर लें तो इसके मीटर के अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं की गई। इसका मीटर आपको सेम टू सेम पुराने मॉडल वाला मिल रहा है, और स्विच भी सेम टू सेम है। असेंबलीज में आ जाए तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच है, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा लेफ्ट साइड पर हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ और सॉरी हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट हॉर्न, चौक और उसके अलावा डिपर मिल जाएगा इसके अंदर। अब अगर इस बाइक की हेडलाइट की तरफ आ जाए तो इस बाइक की हेडलाइट को आप देख सकते हैं कि इस बाइक की हेडलाइट वाली साइड पर भी बिल्कुल चेंज नहीं की गई। हालांकि फर्स्ट लुक में मुझे देखने में लग रहा था कि कुछ चेंजेस हुई हैं, लेकिन जब मैंने थोड़ी सी डिटेल्स पता की इसके बारे में तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर फ्रंट से कोई चेंजिंग नहीं है। इसके अंदर आपको सेम टू सेम पुराना ही बल्ब मिल रहा है, हैलोजीन बल्ब इसके अंदर अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर इस बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात कर लें तो बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.50x17 का फ्रंट टायर है। 17 इंच के बाइक के अंदर आपको अलॉरम्स मिलेंगे, और फ्रंट पर बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस बाइक के टैंक की। तो सबसे पहली चीज़ जो नोटिसेबल है वो है इसका कलर। इस बाइक के अंदर आपको पिछले साल ये कलर नहीं मिल रहा था। इसके अंदर आपको सिर्फ तीन कलर्स मिल रहे थे, जिसमें रेड था, ब्लैक था और ग्रे था। लेकिन इस बार इसमें ब्लू कलर भी इंट्रोड्यूस किया गया, और ब्लू कलर इसके अंदर काफ़ी प्यारा लग रहा है। उसके अलावा अगर आप इसके ग्राफिक्स देखें तो इसके ग्राफिक्स के अंदर भी चेंजिंग की गई है। पहले आपको जो ग्राफिक्स आप देख सकते हैं कि इसमें येलो कलर का टच है, वाइट कलर का टच है, और उसके अलावा थोड़ा सा आपको ब्लू कलर का भी, डार्क ब्लू का भी टच मिलेगा। इसके बाद अगर इसकी टैंक कैपेसिटी की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको 9 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलेगी, 45 किलोमीटर पर लीटर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर सीट की बात करें तो इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त और बहुत कम्फर्टेबल सीट बनाई गई है। उसके अलावा इसकी बैक ग्रैब व्हील आप देख सकते हैं, इसके अंदर अच्छी ग्रैब व्हील बनाई गई है बैक पर। इसके बाद अब आते हैं इस बाइक के इंजन की तरफ। तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है, जिसका फ़ायदा यह है कि जो वाइब्रेशंस हैं जो सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन थोड़ा सा प्रोड्यूस करता है वो बैलेंसर शाफ्ट कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद बाइक के बोर एंड स्ट्रोक की बात की जाए तो 51.0 mm बाइक का बोर है, 55.2 mm इस बाइक का स्ट्रोक है। इस बाइक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 113 क्यूबिक सेंटीमीटर है। उसके अलावा इस बाइक की जो कंप्रेशन रेशियो है वो 9.5:1 इसकी कंप्रेशन रेशियो है। इसका मतलब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है हाई ऑक्टेन डलवाने की, सिंपल पेट्रोल पे इसको सुकून से चलाएं आप। उसके अलावा इसके अंदर फ्यूल सिस्टम की बात कर ली जाए तो इसके अंदर आपको फ्यूल सिस्टम जो मिल रहा है वो बटरफ्लाई कार्बोरेटर सिस्टम मिल रहा है इसके अंदर। इसके अंदर बटरफ्लाई कार्बोरेटर है, इसी वजह से आपको एवरेज भी बहुत अच्छी मिलती है, और उसके अलावा ये पिकअप में भी थोड़ा सा आपको बेहतर मिलता है। इसके बाद अगर इस बाइक की इग्निशन सिस्टम की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको CDI इग्निशन सिस्टम मिलेगा। स्टार्टर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिल जाएंगे। अगर ट्रांसमिशन की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर 4-गियर ट्रांसमिशन है, और इस बाइक के अंदर तमाम गियर्स आगे की तरफ लगते हैं। इस बाइक के अंदर आपको फॉरवर्ड शिफ्टिंग मिलेगी। इसके बाद अगर बाइक की स्पीड एंड पिकअप की बात कर ली जाए तो 110cc के अंदर सबसे फास्ट बाइक मैं कहूँगा, जो 110cc के अंदर अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल है, सबसे फास्ट बाइक ये वाला है सुजुकी जीडी 110S। और अगर स्पीड की बात की जाए तो इस बाइक को मैंने पर्सनली चलाया हुआ है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 110cc के अंदर अभी तक जो आपको नया मोटरसाइकिल मिल रहा है सबसे फास्ट वो सुजुकी जीडी 110S है। इस बाइक की पिकअप बहुत अच्छी है, और अगर स्पीड की बात की जाए तो ये 100 तक या 105 तक आराम से चला जाता है जितनी इसकी स्पीड है। उसके अलावा बॉडी छोटी है इसकी, तो हो सकता है कि हवा अगर आपका साथ दे तो आप 110 पे भी चले जाएं इसके अंदर। और अगर हम चेंजेस की बात करें कि इंजन के अंदर कोई ख़ास चेंजेस हुई हैं तो इंजन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं की गई। 2021 मॉडल का जो आपको इंजन मिल रहा था वही सेम टू सेम आपको 2022 मॉडल का इंजन मिल रहा है विदाउट एनी चेंजेस।
सो गाइस अब हम चलते हैं इस बाइक के साउंड टेस्ट की तरफ। तो गाइस अब हम आते हैं इस बाइक की बैक साइड की तरफ। तो इस बाइक के अंदर आपको फुल चेन कवर मिल जाएगा और क्वालिटी की अगर हम बात कर लें तो बाइक की चेन कवर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस बाइक के अंदर आपको रिट्रैक्टेबल फुट पैक्स मिल जाएंगे बैक पर। अगर इसके बैक शॉक्स की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको जो बैक शॉक्स मिल रहे हैं वो स्विंग आर्म एडजस्टेबल इसके अंदर आपको बैक शॉक्स मिल जाएंगे। अगर इस बाइक के बैक टायर की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको 2.75x17 का बैक टायर मिलेगा। 17 इंच के बाइक के अंदर आपको ऑलराउंड्स मिल जाएंगे और बैक पर इस बाइक के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी और इसकी फ्रंट ब्रेक और बैक ब्रेक दोनों बहुत अच्छी हैं। अगर इसकी बैकलाइट की तरफ आ जाएँ तो इस बाइक के अंदर आपको बैकलाइट से भी बिल्कुल चेंजेस नहीं मिल रही। बैकलाइट वाली साइड से भी इसकी कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम है ये। इसके अंदर बैकलाइट में आपको सिंपल बल्ब मिल जाएगा और जो बैक मडगार्ड है इस बाइक का वो हार्ड प्लास्टिक है। इसके बाद हम आते हैं इस बाइक के साइलेंसर की तरफ। तो इस बाइक का आप साइलेंसर देख सकते हैं कि ब्लैक पाउडर कोटेड इसके अंदर आपको साइलेंसर मिल रहा है और इसके ऊपर क्रोम प्लेट इंस्टॉल्ड है। और साउंड भी आपने सुना है, साउंड इसका काफ़ी साइलेंट और बहुत ज़बरदस्त साउंड है इसका। सो गाइस ये तो सारी बातें हो गई इसके अंदर। अब मैं आपको इस बाइक के डिफरेंट कलर्स दिखाता हूँ क्योंकि इसके सारे कलर्स अवेलेबल थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसके सारे कलर्स की वीडियो बना ली जाए। तो सबसे पहले आप इसका रेड कलर देखें तो रेड कलर के अंदर आप देख सकते हैं इसके काफ़ी अच्छे रेड कलर के ग्राफिक्स बनाए गए हैं। इसके अंदर आपको ब्लैक कलर का टच मिल रहा है, येलो कलर का और वाइट कलर का टच मिल रहा है। उसके अलावा इसके अंदर जो ग्राफिक्स की चेंजिंग है वो बेसिकली साइड कवर्स के ऊपर, टैंक के ऊपर और जो इसका फ्रंट वाइज़र है उसके ऊपर साइड से आप अगर आप देखें तो वहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है बस। इसके बाद आप ब्लैक कलर इसका देखें तो ब्लैक कलर के अंदर भी इसके ग्राफिक्स का देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर ग्राफिक्स, टैंक के ग्राफिक्स। और इसके अलावा मैं आपको साइड कवर्स के ग्राफिक्स दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि साइड कवर्स के और टैंक के ग्राफिक्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं इसके अंदर। ब्लू कलर का मैंने अभी आपको दिखाया, वो दोबारा दिखा दूंगा। अब आप देखें ग्रे कलर के, तो ग्रे कलर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ग्रे कलर के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ये। और ग्राफिक्स इसके अंदर आपको ब्लू कलर का थोड़ा सा टच मिल रहा है, हालांकि ये ब्लू कलर का टच किसी और कलर में नहीं आपको मिल रहा। इसके बाद अब मैं आपको ब्लू कलर दोबारा से दिखाता हूँ तो ब्लू कलर आप इसका ज़रा दोबारा देख लें। ब्लू कलर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको येलो का टच थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर आपको ब्लू कलर ऑलरेडी मिल रहा है तो ग्राफिक्स के अंदर उन्होंने ब्लू कलर को ऐड नहीं किया। सो गाइस अब हम बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की। तो सबसे पहले इस बाइक की लेंथ की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक की जो आपको ओवरऑल लेंथ मिल रही है वो है 1900 mm, 1900 mm इस बाइक की आपको लेंथ मिल रही है। इस बाइक की जो आपको ओवरऑल, इस बाइक का जो आपको ओवरऑल वेट मिल रहा है वो है 108 kg, 108 kg इस बाइक का ओवरऑल आपको वेट मिल रहा है। और उसके अलावा इसकी जो आपको विड्थ मिल रही है वो है 750 mm, बाइक की हाइट है 1050 mm, बाइक की व्हील बेस है 1215 mm, बाइक की ग्राउंड क्लीयरेंस 140 mm है और बाइक की जो सीट हाइट है वो 766 mm है। सो गाइस अब हम आते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल की तरफ। कंफर्ट लेवल की अगर बात की जाए तो क्योंकि इन्होंने इंजन के अंदर कोई चेंजेस नहीं की और शॉक्स भी सेम है, सीट भी सेम है, तो आपको कंफर्ट लेवल भी सेम टू सेम मिलेगा। और पिछले मॉडल की तरह इसको मैं हमेशा की तरह नंबर दूंगा 10 out of 10 क्योंकि इसके अंदर आपको शॉक्स बड़े ज़बरदस्त मिल रहे हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आपको जो इंजन मिल रहा है उसकी टेक्नोलॉजी सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट है और उसके साथ साथ इसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल मिल रहा है जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस बहुत कम प्रोड्यूस करता है। इसके बाद अगर हम इस बाइक के सीट की बात कर लें तो बाइक की सीट जो है वो भी बहुत सॉफ्ट है और लॉन्ग टूर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद हम आते हैं इसकी पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो बाइक की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई गई है। टायर्स एंड ब्रेक्स की अगर हम बात कर लें तो बाइक के टायर्स भी अच्छे हैं, बाइक की ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। इसकी मैंने फ्रंट ब्रेक बैक ब्रेक दोनों यूज़ किए हैं और हार्डली भी यूज़ किए हैं, सॉफ्टली भी यूज़ किए हैं। दोनों तरफ से आपको टायर स्लिप होने का इतना ख़तरा नहीं होता। अगर आपको ब्रेक मारनी आती है तो टायर्स आपके स्लिप नहीं होते, लेकिन अगर आपको ब्रेक नहीं मारनी आती तो टायर्स आप डिस्क ब्रेक ना भी हो तो टायर्स आप स्केट कर जाते हैं। उसके अलावा अगर हम आते हैं इसके रोड ग्रिप की तरफ
तो जिस तरह की इसकी बॉडी है और इसके टायर्स हैं उस हिसाब से इसकी जो रोड ग्रिप है वो बहुत अच्छी है। गेयरबॉक्स की अगर हम बात कर लें तो बाइक का जो गेयरबॉक्स है वो बहुत स्मूथ है और सीट कंफर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया इस बाइक की सीट कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है। और अगर सीटिंग पोस्चर की अगर हम बात कर लें तो बाइक का सीटिंग पोस्चर भी बहुत अच्छा है। अगर आपका रोज़ का 20 किलोमीटर का भी सफ़र है तो वो आराम से आप तय कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। उसके अलावा पार्ट्स अवेलेबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इसके अंदर इतना इशू नहीं है, लेकिन एक मसला है, पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आपको जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। इसके अलावा अगर हम मैकेनिक्स की बात कर लें तो अच्छे मैकेनिक्स ढूंढना थोड़ा सा इशू है, वरना इसके मैकेनिक्स अवेलेबल हैं, सुजुकी के सर्टिफाइड मैकेनिक्स इसके अवेलेबल होते हैं। लेकिन जैसे कि मैं पहले ही बात करता रहा हूँ कि मैकेनिक्स कुछ होते हैं जिनको काम नहीं करना आता लेकिन वो नाम के मैकेनिक बने हुए होते हैं, कुछ होते हैं जिनको काम भी करना होता है और वो आपके बाइक को प्रॉपर ठीक करके देते हैं, कुछ बिगाड़ देते हैं। तो कोशिश करें कि जो बिगाड़ देते हैं उनसे बचें। उसके अलावा अब लास्ट में करते हैं हम इस बाइक की प्राइस की बात। तो सुजुकी ने रिसेंटली इसकी प्राइस को अपडेट किया है। इसकी अब जो आपको न्यू प्राइस मिल रही है वो है 1,94,000 रुपये, 1,94,000 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। सो गाइस, अब लास्ट में बात करते हैं कि इसके अंदर बेसिक चेंजेस क्या क्या आई हैं। बेसिक चेंजेस जो इसके अंदर आई हैं वो हैं, एक तो इसकी किक को चेंज कर दिया गया है, उसके अलावा इसके अंदर आपको ग्राफिक्स चेंज मिल रहे हैं, बस उसके अलावा इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। इसकी जो किक है वो चेंज कर दी गई है और उसके अलावा इसके अंदर ग्राफिक्स चेंज है। बाकी आपको ओवरऑल 2021 मॉडल को और 2022 मॉडल को अगर आप साथ रख लें तो सिर्फ ग्राफिक्स और किक चेंज मिलेगी आपको, बाकी ओवरऑल सेम टू सेम मिलेगा। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।